Hey students, how are you all? I hope you are doing great and you are learning well. So this video is for class 8th students and we have the chapter 1st and part 4 and I am dealing with you with your math subjects and we have the topic rational numbers. Okay, so part 4 hum abhi continue karenge and in this video very important for you we will do some problems of exercise 1A. So let us do question kya hai. Express minus 3/5 what as a rational number, okay, whose denominators are whose denominator given 20. Okay, express minus 3/5 as a rational number. अब देखिए डिनोमिनेटर वाला पार्ट दे दिया तो नोमिनेटर वाला x ले लो और ये माइनस 3/5 है, इसी को तो सॉल्व करना है. x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3, यहाँ पे डिवीजन है, इक्वल टू को वो साइड जाएगा तो इनटू हो जाएगा, नीचे 5 का 5 रहेगा, 5 4 जा ये माइनस 12, सो ये माइनस 12 ही तो होगा. बाई रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ x वी गेट दिस. सो वो बोला एक्सप्रेस माइनस 3/5 एज ए रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर हमको बनाना है तो रेशनल नंबर क्या होएगा, माइनस टू बाई डिनोमिनेटर में कितना 20. सो ये है हमारा आंसर, यू गॉट इट. क्वेश्चन क्या था देखिए ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये एक्सप्रेस माइनस 3/5 एज ए रेशनल नंबर एक बनाना है. ओके, ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर गिवन, इसको एक रेशनल नंबर बनाना है जिसका डिनोमिनेटर गिवन है 20 गिवन है, यू गॉट इट. सो लेट अस कंसीडर माइनस 3/5 ओके इक्वल टू एक्स बाय व्हाट 20. तो इसी को यही तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, इजंट इट सेम थिंग विच आई हैव सॉल्व हियर. तो एक एक्स की वैल्यू हमें 12 आई तो वो रेशनल नंबर क्या होगा, वो रेशनल नंबर नॉमिनेटर वाला फाइंड आउट किया हमने माइनस 12 और डिनोमिनेटर में वो बोल रहा है कि 20, तो ये है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर विच इज़ द आंसर, यू गॉट इट. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डन. सिमिलरली आपको मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ओके दिस इज़ फॉर द होमवर्क. ओके एक्सप्रेस माइनस 3/5 एज अ रेशनल नंबर, ओके हुज डिनोमिनेटर इज माइनस 30. ये होमवर्क है, यू हैव टू डू विथ योर ओन. ओके नहीं समझ में आ रहा तो पहला वाला प्रॉब्लम देखो, माइनस 3/5, ये जो माइनस 3/5 है ओके माइनस 3/5 इसको एक रेशनल नंबर बनाना है जिसके डिनोमिनेटर में माइनस 30 हो, तो आप कैसे बनाओगे. सो आई डोंट नो, फर्स्ट यू डू विथ योर ओन, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके ठीक है. दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. माइनस 12/30 ये एक रेशनल नंबर है, ओके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है. द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ माइनस 12 एंड 30 इज 6. ये देखिए, बाई यूजिंग द कॉमन डिवीजर, वट ऑफ माइनस 12 एंड 30. ओके वी कैन डिवाइड द अबव फ्रैक्शन एज, देखिए माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 दो 6,
दूनी का 12 और ये 30 को भी 2 15 होता है, 3 5 होता है, सो 2 3 2 3 कॉमन है, सो ग्रेटेस्ट कॉमन जो डिवीजर है वो क्या है, 2 × 3 दैट इज 6। ओके सो ये 6 से हम लोग डिवाइड करते हैं, बाई यूजिंग द कॉमन डिवीजर वी कैन डिवाइड द एबव फ्रैक्शन, सो -12/6 डिवाइड बाई 30/6 तो ऊपर हो जाएगा -2 नीचे हो जाएगा 5, तो ये क्या किस फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके या फिर ये तो एक तरीका है, या फिर आप उसके कैंसिल करा सकते थे, -12/30 आप यहाँ पे 2 6 12 6 को 2 × 3 के रूप में कैंसिल कर सकते हो, 2 × 15 15 को 3 × 5 में ये कैंसिल, सॉरी ये नहीं होगा, ये वाला ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर हो गया -2 नीचे हो गया 5 विच इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, विच विच इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये है, इस तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अनदर प्रॉब्लम, सपोज वी हैव माइनस फॉर्म एग्जाम्पल 2 -14/49 कितना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डालना है, तो 2 7 14 होता है, 7 7 49 होता है, तो ये आप कैंसिल करा सकते हो, तो -2/7 ओके इज इन द, सो ये हो गया हमारा आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में, यू गॉट इट। सो ये है तरीका स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट करने का, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जो भी है उसको आप कैंसिल कर सकते हो। बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर, नाउ फाइंडिंग ओके आउट ग्रेटर रेशनल नंबर बिटवीन given pair of rational numbers, आपको 2-3 रेशनल नंबर दिया रहेगा, उसमें आपको ग्रेटर रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे, सपोज लेट अस टेक एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, -5/7 और -4/7 इन दोनों में कौन बड़ा है आप बताओ, इन दोनों में कौन बड़ा है आप बता सकते हो यहाँ पे। अब देखिए इन दिस केस डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर इक्वल है सो जो ऊपर का वैल्यू होगा, सपोज ये -5 है, -5 इज स्मॉलर देन -4, सो हेंस -5/7 जो वैल्यू होगा दैट विल बी द स्मॉलर बाय -4/7, तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर -4/7। एग्जांपल, अनदर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप, 2/3 एंड 3/4 में ग्रेटर, विच इज़ ग्रेटर, सो सॉल्यूशन देखिए, इन दिस केस वी डू नॉट हैव द इक्वल डिनोमिनेटर, सो व्हाट विल वी डू, वी विल टेक एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3 and 4 कितना होगा, 12, यू गॉट इट, बाय मल्टीप्लाइंग विद द डिनोमिनेटर, यहाँ पे 2/3 है नीचे, दोनों में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 3 2 4 3 4 12 हो रहा है नीचे, इक्वल हो गया, ऊपर हो जाएगा 8,
सिमिलरली 3/4 है, यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर हो जाएगा 9, नीचे हो जाएगा 12। नाउ वी गॉट द इक्वल टू रेशनल नंबर्स विद इक्वल डिनोमिनेटर्स। ओके, ये दोनों रेशनल नंबर हमको मिल गया 8/12 और 9/12। ओके, सो 8/12 और 9/12। नाउ यू कैन फाइंड आउट विच वन इज़ ग्रेटर एंड विच वन इज़ स्मॉलर। नाउ यू ओनली टेल मी दिस वैल्यू विल बी लेसर दैन 9/12। 8/12 इज लेसर दैन 9/12। यू गॉट इट? हैंस वट वी कैन से 2/3, दिस वैल्यू विल बी लेस बाई 3/4। आंसर 3/4 ओके विल बी ग्रेटर दैन द 2/3 सिंस। सो दिस इज वे वी कैन डू अनदर प्रॉब्लम। अच्छा देखिए, यहाँ पे अनदर क्वेश्चन है -1/2 एंड -1 में कौन ओके बड़ा है? विच वन इज़ ग्रेटर इन बिटवीन -1/2 एंड -1? सिम ये देखिए, हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 है। सो वी डू नॉट हैव इक्वल डिनोमिनेटर्स 2 और 1 का जो LCM होगा वो क्या होगा, 2 होगा। सो -1/2 इंटू 1/1 और इस साइड हो जाएगा, ये 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा -1/2 और ये हो गया -2/2। ओके, -2/2। सो -1 इज ग्रेटर देन -2, इजंट इट? -1 इज ग्रेटर देन -2। सो -1/2 इज ग्रेटर देन -2/2, देयरफॉर -1/2 इज ग्रेटर देन -1। सो सम होमवर्क फॉर यू, होमवर्क ओके, फाइंड द ग्रेटर रेशनल नंबर्स बिटवीन गिवन फॉलोइंग पेयर्स। यू हैव ए बिट -4/3 एंड -8/7, बी ओके 7/-9 एंड 5/8, सी -1/3 एंड -4/-5। फाइंड द ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर बिटवीन गिवन 3 पेयर्स ए बी सी। 3 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, इनमें से आपको ग्रेटर रेशनल नंबर कौन है, इन दोनों में कौन ग्रेटर रेशनल नंबर है, इन दोनों में कौन ग्रेटर वैल्यू है, इन दोनों में कौन ग्रेटर वैल्यू है, वो आपको फाइंड करना है एंड कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दे सकते हो। नाउ यू हैव अनदर टॉपिक, अनदर type of questions. Question क्या है, arrange the following okay rational numbers in ascending order में कौन कौन से, 4/-9, फिर -5/12, फिर 7/-18, -2/3। ओके, ये नंबर्स जो है, इन नंबर्स को
ओके असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, पहले छोटा वैल्यू, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हाउ कैन यू डू दिस सम सॉल्यूशन? सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल टेक द एलसीएम ऑफ व्हाट? लिसन सी हियर, 4 by -9 है ना, आप इसको क्या कर सकते हो, 4 by -9 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -4/9 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला -7 में, इवन 7/18 में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ यू हैव -4/9, 5/12, 7/18 और -2/3। टेक एलसीएम ऑफ, टेक द एलसीएम ऑफ व्हाट, 9, 12, 18 और 3। इसका एलसीएम 9, 12, 18 और 3 का एलसीएम क्या होगा, आप इसको फाइंड आउट कर लेना। एलसीएम होगा 36, ठीक है, एलसीएम यहाँ पे 36 होगा। मैं आपको दिखला भी देता हूँ, 9, 12, 18 और 3। ये देखिए 3 से ही ले देखते हैं, 3 3 9, 3 4 3 6 1, फिर 3 से 1 4 2। सो 3 3 9, ओके यहाँ पे 2 से और जाएगा, 2 2 1, सो 3 × 3 × 2 × 2, 36 आ गया। 3 3 9 2 18 2 36। तो यहाँ पे देखिए, सो ये तो एलसीएम हमको फाइंड आउट करने का तरीका था, वो मैंने आपको बता दिया है। और अब जब 36 आ गया तो आप उसमें मल्टीप्लाई करोगे, -4/9 × 4, ऊपर भी 4, फिर आप क्या करोगे, ये -5/12 है, फिर नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी 3 से। वैसे ही 7 -7/18 है, तो ऊपर 2 जा और यहाँ पे भी 2 जा, 36 होता है। और -2/3 नीचे, ऊपर भी 12 से, तो ये क्या हो जाएगा, -16/36, ये क्या हो जाएगा, -15/36, ये क्या हो जाएगा, -14/36, -24/36। सो विच जैसे कि आप माइनस, सही वैल्यूज़ माइनस में है तो जो वैल्यू ऊपर जो है सबसे क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा, वो वैल्यू सबसे कम होगा, वही वैल्यू सबसे कम होगा। सो -24/36 इज लेस देन -16/36 इज लेस देन -14/36 इज लेस देन -14/36। सो ये किसका वैल्यू है, -2/3 का, ये दिस वैल्यू इज लेस देन 16/36 कहाँ पे है, सो ये कौन सा है, 4/-9। फिर उसके बाद ये 15 वाला सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू क्या है, -5/12, ये -2/3 हो गया, 7/-18। तो ये हो गया आपका आंसर, दिस विल बी योर आंसर। ओके मैं ये वाला सब मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, ठीक है, यहाँ से कहाँ पे, 4/-9 था, -5/12 था, फिर 7/-18 था और -2/3 था। तो हमने एलसीएम लिए किसका, 9, 12, 18 और 3, एलसीएम ऑफ ये कितना आया, 36। सो नीचे इसको नीचे 36 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 4 से, तो कितना आ जाएगा ऊपर, दिस बाय 36।
वैसे ही माइनस फाइव बाई ट्वेल्व है तो नीचे थ्री से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी थ्री से, तो ऊपर हो जाएगा माइनस फिफ्टीन बाई, नीचे हो गया थर्टी सिक्स। वैसे ही सेवन बाई माइनस एटीन है तो नीचे मल्टीप्लाई करोगे टू से, सॉरी ये माइनस है, ऊपर भी टू से, तो ऊपर चलेगा माइनस फोर्टीन बाई थर्टी सिक्स एंड हियर यू हैव माइनस टू बाई थ्री, तो ऊपर भी ट्वेल्व से नीचे भी ट्वेल्व से, देन यू विल गेट माइनस ट्वेंटी फोर बाई थर्टी सिक्स। सो दिस वैल्यू इज स्मॉलर सिंस माइनस ट्वेंटी फोर बाई थर्टी सिक्स इज स्मॉलर देन माइनस सिक्सटीन बाई थर्टी सिक्स इज स्मॉलर देन माइनस फिफ्टीन बाई थर्टी सिक्स इज स्मॉलर देन माइनस फोर्टीन बाई थर्टी सिक्स। सो ये वैल्यू जो है वो किसका है, माइनस टू बाई थ्री स्मॉलर देन 16, माइनस फोर बाई नाइन, ओके ये स्मॉलर देन फाइव बाई फिफ्टीन बाई फाइव बाई माइनस फाइव बाई ट्वेल्व एंड दिस वैल्यू इज ओके सेवन बाई माइनस एटीन। सो ये हो गया आपका एक्चुअल असेंडिंग ऑर्डर। Answer.